ऑलराइट लव पीपल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, अपने सामने लेजेंडरी बाइक यामाहा R15 V3 2023 वाला एडिशन है। दो तीन दिन पुरानी गाड़ी है और सिंगल सीट आप देख के समझ चुके होंगे। तो ये जो है इसमें मैं कहूँगा कि कुछ खूबसूरती वाली भी मॉडिफिकेशन है, कुछ इसमें ऐसी हैं जो बाइक लेने के बाद आपको कराना चाहिए। चाहे आप लोगों का V4 एडिशन हो या फिर R1M वाला एडिशन हो या कोई भी आप लोगों के पास बाइक है, तो फिटिंग वगैरह अलग होती है। तो बात करेंगे आज V3 की। तो इसमें आप सबसे पहले चेक करो यहाँ पर क्रैश गार्ड, बाकी इसी से बाद में दिखाऊंगा। तो ये क्रैश गार्ड प्रॉपर इसी का है और इसको लगाने के बाद किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्रैश गार्ड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसकी जो यहाँ से कनेक्टिंग थी वो यहाँ से जा रही थी, जो कि ब्रेकर पे अड़ता था और एक्सीडेंट होते होते बच जाता था, कई बंदों का गिर भी जाते थे भाई। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो जब भी कहीं से भी लगवाओ आप, तो ये यहाँ से नहीं आना चाहिए, प्रॉपर कनेक्ट हो, जो कि चेसिस से कनेक्ट हो। अब कहीं भी नहीं जाता। दो स्लाइडर है और इसको लगाने के बाद मतलब ही नहीं है कि आपकी बाइक पे स्क्रैच भी आ जाए और आपके सेफ रहते हैं पैर वगैरह भी, लेग वगैरह भी। जैसा कि मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखो बिल्कुल ये सेफ है, तो ये बात ये होगी। दूसरी चीज़, जिन लोगों को स्लाइडर लगाने भाई, तो स्लाइडर भी लगा सकते हैं, जो कि स्लाइडर कुछ इस तरीके के आते हैं। लेकिन भाई ये ना प्रॉपर तरीके से सेफ्टी नहीं करते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार भाई हमें यही लगवाना है, तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं फ्रंट पे। यहाँ पर एक डबल वेबलाइजर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, जो कि आप देख ही सकते हो। उसमें ट्रांसपेरेंटी मिल जाएगा, बट ब्लैक काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विंगलेट लगा रखी है, ये इस चीज़ को जो है ना विंगलेट कहते हैं। ये नोज कवर हो गया इसका, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी नीचे अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर के यहाँ पर लगा रखे हैं फोर स्लाइडर राउंड वाले, जिसका जो काम होता है वो होता है, मान लो कहीं बाइक गिरती है तो सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते, डिस्प्ले पे फ़र्क नहीं पड़ता और लुक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये करीब आधा किलो के होते हैं, इस पर खड़े हो जाओगे ना तब भी कुछ नहीं जाएगा, मजबूती के मामले में तो इसका ही आलम है। एक बार चाबी दिखाना भैया। तो आप इसका की भी चेक कर सकते हो, की के ऊपर भी कवर है और काफ़ी रोबोटिकल डिज़ाइन लग रहा है। बाकी ब्लू कलर का है तो ऑब्वियसली ब्लू कलर के लगाया, अगर आप लोग पास किसी और कलर का है तो वो भी इस पर लग जाता है। ये हमने इग्निशन ऑन किया, आप चेक करें यहाँ पर टैनर स्टाइल वाले मिरर, जिसमें इंडिकेटर का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। साथ ही में इसमें जो इसके इंडिकेटर हैं, काफ़ी सारे लोग इंडिकेटर हटा के फ्लैट इंडिकेटर लगवाते हैं, काफ़ी लोग इसके अंदर सिर्फ LED बल्ब लगवा लेते हैं, तो ये दोनों ही बेटर ऑप्शन है। तो ये इसका आपका ओरिजिनल इंडिकेटर आ गया, इसके अंदर लग गया LED बल्ब, जिससे बैटरी भी कम फूकेगी, फोकस ज़्यादा इसका बढ़ गया। इसके अलावा हैज़ार्ड के पैटर्न एक्टिवेट करने के लिए जो आपका ये इंडिकेटर वाला स्विच है, इसको लेफ्ट राइट बीच में दबाना है आपने, तो कुछ इस तरीके से बहुत ही ईजी है। मतलब दाएँ बाएँ बीच में पुश करोगे ना जल्दी जल्दी तो पैटर्न इसके चेंज हो जाते हैं। अब आप देख लो, ठीक है जी, ये तो हो गया आपका हैज़ार्ड का। दोबारा से हैंडल बार पर आओ और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर्स, ये देखो, जैसे कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट हैं या लॉन्ग है तो आप इसको स्विच कर सकते हो कि आपको कहाँ रखना है। ये भी ब्लू कलर के लगा रखे हैं और ये मेटल में होते हैं, CNC जो है ये मटेरियल होता है, तो ये सेम है, देख सकते हो आप, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर एक सिमटेक का मोबाइल होल्डर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और अनब्रेकेबल, जिसमें आपको करीब 1.5 साल की गारंटी मिल जाती है, कभी ख़राबी नहीं होता भाई। ये एक बार फ़ोन लगा दिया तो लगा दिया, फ़ोन आपके पास या चाइना का हो या एप्पल का या कोई भी भाई लगा लेना, हमें टेंशन नहीं रहती कोई भी, तो ये देख लेना आप। इसके अलावा आप थोड़ा सा बैक साइड में यहाँ पर आप सीट चेक करो, उसका कवर लगाया गया जो कि बाइक की थीम के हिसाब से मैच किया गया, ब्लू कलर। अब ये ब्लू कलर फाइबर में जो फैब्रिक है इसका, इसका ब्लू कलर से कभी भी मैच नहीं होगा, लेकिन अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप प्लेन चाहो प्लेन रख सकते हो, थोड़ी सी कुशनिंग भी की गई है ताकि आपका जो तकलीफ ना हो बैठने में किसी भी तरीके से। एग्जॉस्ट का कवर लगा रखा है यहाँ पर, जो कि रेनबो में है, काफ़ी ऑसम लग रहा है भाई। ये भी है रियर फेंडर मडगार्ड, जिसका काम ही ये होता है कि मिट्टी को ये यहीं पर ही रहता है, इसके नीचे रहती है, इसके ऊपर नहीं आती, जिससे बाइक काफ़ी ज़्यादा बेहद लगती है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगती है। काफ़ी लोगों का आपने देखा होगा इतनी इतनी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, तो वो मत करो भाई। इस तरीके का आप रियर फेंडर मडगार्ड या शार्क मडगार्ड लगा सकते हो। यहाँ ग्रैब रेल लगा रखा है, जिससे बाइक आपने आगे पीछे करनी है, या पिलियन राइडर को बैठ गया तो यूँ पकड़ भी सकते हैं। प्लस काफ़ी सारे लोगों के वाले पार्ट टूट भी जाते हैं, फिर बन जाते हैं वो मिस्त्री, फिर लगाते हैं इसमें MCL, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, POP भी लगा लेते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें मत करवाओ, सिंपल काम करवाओ, हैंड ग्रिप वगैरह भी चेक कर सकते हो आप। तो ये क्विक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। और इस तरह की मशीन जब तैयार करने के बाद आप बैठते हो तो ये लुक आता है भाई। और इसके अंदर शायद रेडिएटर ग्रिल भी है, चेक करना है। तो एक रेडिएटर ग्रिल भी है, इसका जो काम होता है वही होता है राइडिंग के दौरान, कोई पत्थर अगर रेडिएटर पर लगता भी है तो रेडिएटर आपका ख़राब नहीं होगा। तो बस यही सब मॉडिफिकेशन हो जाती है आपकी R15 पर। एडिशन चाहे कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी, जितने भी आजकल यामा के चल रहे हैं ट्रेंड में, सबकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, थोड़ी फिटिंग वगैरह अलग अलग होती है। यही था, लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो, टाइमिंग वगैरह ज़रा देख लेना। कुछ लोग 2 बजे ही फ़ोन कर दे रहे हैं रात में, बंदा डर जाता है किसका फ़ोन आ गया, तो वो ज़रा आप देख लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।